हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए पार्ट नंबर 7 क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सब्जेक्ट मैथ में दोस्तों आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूँ। डेली के दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस कॉस ए प्लस में 1/1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस ए का स्क्वायर है। दोस्तों, आप LHS ले लीजिए। सबसे पहले क्या ले लीजिए? LHS। LHS बराबर होता है 1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से ए आपका LHS कहलाता है, ए आपका RHS कहलाता है। हमने LHS लिया, इसका हम LCM लेंगे। LHS का LCM लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना दोस्तों? 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा आपका? 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का गुणा 1 में कर दीजिए, 1 प्लस कॉस ए एकम 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, 1 माइनस कॉस ए का गुणा 1 करना 1 में कीजिए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से कॉस ए से दोस्तों कॉस ए कटेगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। 1 और 1 कितना होगा दोस्तों? 2। अब दोस्तों ए आपका फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है कि नहीं दोस्तों? अब आपको हम बता दें, 2/1 का वर्ग करेंगे 1 और कॉस का वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना दोस्तों? अब इसके बाद में आपको क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, 2/1 साइन स्क्वायर ए, इसको हम ऐसा लिख सकते कि नहीं? इस तरीके से लिख सकते कि नहीं? 2 ऊपर लिखा है 2/2 साइन स्क्वायर ए। दोस्तों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2/1 साइन स्क्वायर ए। तो 1/1 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉस एक स्क्वायर ए। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अनुपातिक वाले दोस्तों ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec। यहाँ पर हम आपको बता दें सूत्र जो दोस्तों आपके लग रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर होता 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों आपका 1/cot थीटा। एक और होता है टेन का फॉर्मूला, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है ना दोस्तों? इसी के विपरीत यदि हम देखें, अब कॉसेक थीटा बराबर का होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है? 1/cos थीटा। और दोस्तों आपका क्या, कॉट थीटा बराबर का होता है 1/tan थीटा। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, एक और होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से आपके ये अनुपातिक वाले दोस्तों फॉर्मूला होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात के 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कॉट के 2 होते हैं, 10 के 2, से दोस्तों 8 फॉर्मूला आपके हो जाते हैं ये। अब दोस्तों हम सेकंड सवाल की ओर चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं सेकंड सवाल, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए बराबर साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। दोस्तों LHS ले लीजिए, आप का ले लीजिए LHS, 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, आपने LHS ले लिया। अब दोस्तों हमें फॉर्मूला बनाना है नीचे, तो अपन क्या करेंगे, साइन ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, साइन ए का अंश व हर में गुणा करने पर। दोस्तों गुणा कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस ए गुणा कर दीजिए, लो ऐसे गुणा करना है दोस्तों, साइन ए बटे में साइन ए तो है ही है, और साइन ए का और गुणा कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों? हम आगे देखते हैं और क्या चला आएंगे, 1 माइनस कॉस ए साइन ए, साइन का साइन में गुणा हो गया, क्या होगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना? 1 माइनस कॉस ए और साइन ए बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, ठीक है ना? अब हम देखते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए,
वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को दोस्तों आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, वन माइ वन का स्क्वायर और कॉस ए का स्क्वायर, वन माइनस कॉस ए साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए माइनस बी से मतलब ए वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कट गया आपका, क्या बचा साइन ए बटे में वन प्लस कॉस ए, जी आपका आरएचएस हो गया, आरएचएस हो गया दोस्तों। तो एलएचएस बराबर का आ गया आपका आरएचएस, इति सिद्धम या दोस्तों आप हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको सवाल लगाना था ये। अब दोस्तों हम देखते हैं थर्ड वाला सवाल, दोस्तों हम देखते हैं तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि एक बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। दोस्तों सबसे पहले आप एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका आपका कर लीजिए दोस्तों, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका आप जब एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आप ऐसा करिए वन अपॉन सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता दोस्तों कॉस, ऐसा वन अपॉन सेक थीटा बराबर होता दोस्तों कॉस थीटा, सेक पर दो घाते चढ़ी तो कॉस पर भी दो घाते चढ़ा दीजिए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान दोस्तों क्या होता है एक, क्या होता दोस्तों एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको दोस्तों सही तरीके से हम आपको बता दें ऐसा लिख लीजिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान दोस्तों कितना होता है एक, क्या होता दोस्तों एक होता है इसका मान, बस दोस्तों ये आपकी आरएचएस आ चुकी है, ये आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से करना है, आगे देखते हैं हम दोस्तों, देखते हैं सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस में टेन ए। दोस्तों सबसे पहले आप हल करने के लिए एलएचएस ले लीजिए, क्या ले लीजिए दोस्तों एलएचएस, तो एलएचएस क्या है दोस्तों, रूट के अंदर वन प्लस साइन ए बटे में वन माइनस साइन ए, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, परिमेयकरण करना है, वन माइनस साइन ए लिखा है नीचे दोस्तों, आपको वन प्लस साइन ए का परिमेयकरण करना पड़ता है, परिमेयकरण करने पर। अब दोस्तों क्या है परिमेयकरण करने का मतलब, वन प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, और दोस्तों गुणा करना है आपको जहाँ पर भी करेंगे रूट के अंदर ही करेंगे, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, ठीक है ना दोस्तों। ऊपर गुणा कर दीजिए वन प्लस साइन ए से, और नीचे भी गुणा कर दीजिए वन प्लस साइन ए से, ठीक है ना। वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए दोस्तों दो बार लिखे हैं, आप इसको एक बार लिख करके इस पर दो घात चढ़ा सकते कि नहीं इस तरीके से, और ए आपका नीचे फॉर्मूला बन गया है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। तो क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का दोस्तों बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब दोस्तों क्या है वन प्लस साइन ए, तो दोस्तों आगे क्या होगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में एक का वर्ग एक होगा, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके दोस्तों जो भी करेंगे आप रूट के अंदर ही करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों रूट के अंदर ही करेंगे, तो रूट के अंदर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है आपको, रूट के अंदर क्या है आपका, रूट के अंदर वन प्लस ये अलग अलग घातें चढ़ी दोस्तों, एक बार में घातें चढ़ा दें आप, वन प्लस साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों ऐसा,
इस पर दो घाते चढ़ी, इस पर भी दो घाते चढ़ी, अलग अलग चढ़ी हमने एक बार में चढ़ा दी। अब दोस्तों इस घात से ये रूट कट जाएगा, तो वन प्लस साइन ए बटे में कॉस, तो क्या होगा वन अपॉन कॉस ए साइन ए बटे में कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों सेक ए, साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों टेन ए, क्या होता है दोस्तों टेन ए। बस दोस्तों यही आपकी आर एच एस आ चुकी है, ठीक है ना दोस्तों। इति सिद्धम, जो भी दोस्तों करेंगे आप रूट के अंदर ही करेंगे। ये सवाल आपका मोस्ट सवाल है दोस्तों रूट वाला, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, पहले एल एच एस ले लिया, वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए, नीचे वन माइनस साइन ए है दोस्तों, तो आपको वन प्लस साइन ए का परिमिकरण करना पड़ेगा। और जो भी करेंगे आप रूट के अंदर ही करेंगे, ऊपर वन प्लस साइन ए नीचे वन प्लस साइन ए का गुणा कर दीजिए, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए दो बार हैं, एक बार लिख के दो घाते चढ़ा दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है ना। एक का वर्ग एक, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना दोस्तों इस तरीके से। अब आपको क्या करना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर की संख्या जो की तो, और अलग अलग घात चढ़ी हमने एक साथ घात चढ़ा करके इस वर्ग से रूट कट गया, वन प्लस साइन ए बटे में कॉस, कॉस का अलग अलग दोस्तों भाग दे दीजिए, वन अपन कॉस बराबर सेक ए, साइन बटे कॉस बराबर टेन, ठीक है ना। आर एच एस आ चुकी है। अब हम आगे चलते हैं पाँचवें नंबर के सवाल पर दोस्तों। पाँचवा सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए प्लस टेन ए बराबर कॉस ए के इंटू सेक ए। दोस्तों आप सबसे पहले एल एच एस ले लीजिए, एल एच एस लिया कॉट ए प्लस टेन ए, कॉट ए बराबर दोस्तों क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, प्लस टेन बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन और कॉस को क्या ले लीजिए दोस्तों लॉस ऑस, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन से साइन कट गए क्या बचे कॉस, कॉस का कॉस में गुणा कीजिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गए दोस्तों क्या बचा साइन, साइन का गुणा साइन में कीजिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना दोस्तों। ए आपकी ऊपर सर्वसमिका बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर। दोस्तों आगे पीछे संख्याएं लिखी होती है कोई परेशानी नहीं होती है, प्लस में है तो परेशानी नहीं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या दोस्तों एक, साइन ए इंटू कॉस ए, अलग अलग भाग दीजिए दे दीजिए, एक बटे साइन ए इंटू एक बटे कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए इंटू सेक ए। ए आपकी आर एच एस आ गई है, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको पांचवा सवाल करना है दोस्तों। हम छठवां सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटे में टू कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब दोस्तों क्या है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, सबसे पहले साइन थीटा कॉमन लेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे में इधर से कॉस थीटा दोस्तों कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको साइन बटे टेन कॉमन मतलब कि टेन टेन चाहिए आपको, टेन बनाना है दोस्तों। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, इस तरीके से इस दो का दोस्तों अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या होगा आपका साइन थीटा वन माइनस टू और प्लस के टू कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से ठीक है ना, बटे में कॉस थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ठीक है ना। दो में से एक घटा दो दोस्तों क्या बचेगा आपका माइनस के वन, क्या बचेगा दोस्तों माइनस के वन। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा तो माइनस के वन प्लस के टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम इसको पलट करके लिखेंगे, इसको हम पलट के लिख सकते हैं कैसा, कॉस थीटा इस वन को आगे और टू कॉस स्क्वायर को पीछे, तो माइनस वन और टू कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर दोस्तों ऊपर के कोष्टक को पलट दीजिए, इस कोष्टक से जो कोष्टक कट गया साइन बटे कॉस का हो गया दोस्तों आपका टेन थीटा,
ए आपकी RHS आ चुकी है दोस्तों, ए भी आपका मोस्ट सवाल है। ठीक, अब दोस्तों हम देखते हैं छठवां सवाल। तो दोस्तों हम देखते हैं, ये छठवां नहीं दोस्तों सातवां सवाल हो चुका आपका। सिद्ध कीजिए कि 1 - sin θ बटे में 1 + sin θ बराबर sec θ माइनस के tan थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप LHS ले लीजिए दोस्तों, का ले लीजिए LHS, 1 - sin θ 1 + sin θ, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको परिमेयकरण करना है, 1 - sin θ है, 1 + sin θ है, तो आपको 1 - sin θ का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, परिमेयकरण का अर्थ आप समझते ही हो कि ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे 1 - sin θ 1 - sin θ, 1 - sin θ 1 - sin θ दोस्तों दो बार है, एक बार लिख करके इसकी 2 घात चढ़ाइए, 1 + sin θ 1 - sin θ, a + b और a - b, a² - b² इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। हम और आगे सॉल्व करते हैं, 1 - sin θ का होल स्क्वायर बटे में 1 का वर्ग 1, sin θ का वर्ग करेंगे दोस्तों sin²θ, ठीक है ना। और दोस्तों और हम करेंगे, इधर कर लेंगे अब, तो 1 - sin θ का होल स्क्वायर बटे में 1 - sin²θ बराबर क्या होता है दोस्तों cos²θ, क्या होता है दोस्तों cos²θ। अलग अलग घात चढ़ी, हम एक बार में घात चढ़ाते हैं, तो दोस्तों एक बार में घात चढ़ाते हैं, 1 / cos θ sin θ बटे में cos θ का दोस्तों sin θ बटे में cos θ का होल स्क्वायर। अलग अलग भाग देना है, 1 / cos बराबर क्या होता है दोस्तों sec θ - tan θ, ठीक है ना। ये आपका आंसर कहलाएगा RHS। दोस्तों आपके पेपरों में कठिन सवाल नहीं आते हैं, यही सवाल आते हैं इसी तरीके के, ठीक है ना। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते, ओनली परिमेयकरण के संबंधित आएगा आपका सवाल, या फिर मान रखने पर लॉन्ग तरीका में दोस्तों यही सवाल आएगा आपका इस तरीके का, ठीक है ना दोस्तों। हम आगे देखते हैं आठवां सवाल। दोस्तों सिद्ध करना है सर्व समीका को, cot²θ माइनस के 1 / sin²θ बराबर माइनस के। पहले नंबर तो आपको LHS लेना है, तो cot²θ माइनस के 1 / sin²θ, तो 1 / sin बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 / sin बराबर होता है cosec²θ, क्या होता है दोस्तों cosec²θ। अब दोस्तों क्या होता है, ये आपकी सर्व समीका होती है, क्या सर्व समीका होती है cosec²θ माइनस के cot²θ, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करिए, इसमें से ज़बरदस्ती माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के cot²θ हो जाएंगे, और माइनस की संख्या है तो प्लस की संख्या हो जाएगी, ये cosec²θ। अब दोस्तों इसको पलट के लिख लीजिए, कैसा cosec²θ माइनस के cot²θ, cosec²θ माइनस के cot²θ बराबर क्या होता है दोस्तों 1, और ये माइनस का 1 आपका है ही, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। हम देखते हैं 9 नंबर का सवाल आपके लिए। दोस्तों आपका सवाल है आप ऊंचाई और दूरी से संबंधित, दोस्तों महा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि मीनार की ऊंचाई दोस्तों ए है, मीनार की ऊंचाई आपकी उसकी छाया की, ये दोस्तों आपकी मीनार है, क्या है दोस्तों ए आपकी मीनार है, मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की समान है। तो दोस्तों जो छाया रहेगी इसकी, जे मीनार खड़ी है, इसकी जो परछाई आएगी छाया इसकी जी कहलाएगी। दोस्तों इसकी ऊंचाई और इसकी छाया कैसी है दोस्तों, बराबर है। तो मान लो छाया भी एक्स है और ऊंचाई भी एक्स है, या कुछ भी मान सकते हैं आप, एच भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं दोस्तों एच ही मान सकते। माना मीनार की ऊंचाई एक्स और छाया की लंबाई
छाया की लंबाई भी क्या मानेंगे दोस्तों, एक्स मानेंगे। थीटा कोण दोस्तों इधर बनेगा आपका। जब थीटा कोण बनता है दोस्तों तो आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण दोस्तों नीचे बनता है आपका, अवनमन कोण आपका ऊपर बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों त्रिभुज तो उन्नयन कोण यानी कि आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कहा दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में आपके पास लंब है और आपके पास आधार है, लंब और आधार है। तो अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से बताइए कि लंब और आधार किस किस में आता है, साइन वाले फॉर्मूले में आता है कि कॉस वाले में या टेन वाले में। तो दोस्तों आपके टेन वाले फॉर्मूले में, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर। लंब का मान भी एक्स है, आधार का मान भी एक्स है। लंब का मान एक्स, आधार का मान भी एक्स। दोस्तों एक्स से एक्स काट दो एक बार, टेन थीटा बराबर एक। अब दोस्तों आप ये बताइए टेन के कितने अंश का मान एक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन के टेन 45 अंश का मान होता है एक। टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 45 अंश। ये आपका आंसर है दोस्तों, ये सवाल आपके पेपर में आना ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब मांगे चलते हैं लास्ट सवाल, दस वाले में। तो दोस्तों दसवां सवाल है आपका, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की रूट तीन गुनी है। क्या दोस्तों, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, एक मीनार जी है दोस्तों, उसकी छाया दोस्तों एक कहलाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपकी ए आपकी क्या है, मीनार। बी क्या कह रहे हैं, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की रूट तीन गुनी है। माना मीनार की ऊंचाई h है, कितनी है दोस्तों h। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h, ABC आप मान लो इसको, ABC मान लो। माना मीनार की ऊंचाई h है, तो उसकी छाया की जो लंबाई है, यानी छाया की लंबाई है, छाया है जो उसकी ऊंचाई की रूट तीन गुनी है। यानी कि छाया का मान कितना निकला आपका, h रूट तीन। कितना निकला दोस्तों, एच रूट तीन। जी कहलाती है छाया, एच रूट तीन आधार, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसी तरीके से इसको त्रिभुज एबीसी में ले लीजिए, त्रिभुज एबीसी में तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बहुत सारे बच्चों के मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया इधर पर टेन ही क्यों लेते हैं, साइन क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास लंब का मान है और आधार का मान भी है। तो दोस्तों लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर तो होता नहीं है, इसलिए हम टेन लेते हैं। अगर लंब और कर्ण का मान देते तो हम साइन थीटा लेते, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। टेन थीटा तो दोस्तों टेन थीटा बराबर, थीटा का मान आपको निकालना है, लंब का मान आपका एच है, आधार का मान एच रूट तीन है, एच से एच ही का मैच। टेन थीटा बराबर एक बटे रूट तीन, तो टेन थीटा बराबर रूट तीन का मान एक बटे रूट तीन, कितने अंश का मान होता है टेन में, टेन 30 अंश का मान। टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आएगा दोस्तों, 30 अंश, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका दसवां सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आज हमने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों करवाए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, जो आपके पेपर में हर साल हर बार आते जाते रहते हैं जो क्वेश्चन दोस्तों, वही आपको हमने करवाए हैं। और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, महा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।